सुरुवात मोठ्या फटक्यानं आणि पहिला फटका फसला फलंदाज बाद होईल. जय आला जो मागच्या मॅचचा हिरो होता. हा फटका चांगला सजवला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनकडे. पॉवर प्लेचा पुरेपूर लाभ इथे उठवत असताना हा बॉल जातोय सीमारेषा पलीकडे चौकार. हा चौकार आपण पाहता. पहिल्या बॉलवर विकेट, तीन ओव्हरची मॅच असेल. स्पीड अप करायचं अदरवाईज सेकंड इनिंग मध्ये बॅड लाईटचा सामना करावा लागेल. विथ द टर्न हा फटका सजवला एक्स्ट्रा कव्हरला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत लॉंग ऑफ वर. दोन धावा ते कंप्लीट या ठिकाणी करतात. गुड रिपीट विकेट. पहिल्या बॉलवर प्रेमला माघारी परतवलं, त्यानंतर रोशननं चांगली बॅटिंग केली, एक चौकार आणि डबल. एकंदरीत टीम चिटोल स्कोरबोर्डवर 6. नॉस्टाकेंडला जय उभा. अष्टपैलू खेळाडू. ओहो चांगला बॉल होता, स्विंग ने पूर्णपणे बीट केला आणि या ठिकाणी पहा रनआउटच्या स्वरूपात जयला माघारी परतावं लागेल. सेलिब्रेशन होत आहे बनेरी संघाच्या दरम्यान, कारण महत्वाची विकेट त्यांनी प्राप्त केली आहे मेगा फायनलच्या मॅचमध्ये. फलंदाज बाद. रन आउट केलं त्याला आणि राहुल द्रविड नेहमीच म्हणतात रनआउटची विकेट ही नेहमीच निराशजनक असते. इथे देखील लाईन चांगली आहे, फैजू इम्प्रेसिव्ह कामगिरी करतोय. जबरदस्त गोलंदाजी. 5 बॉलमध्ये आतापर्यंत 10 दिल्या 6, 2 विकेट, 1 रनआउटच्या स्वरूपात, 1 विकेट कॅचच्या स्वरूपात आपण पाहिले. हा फटका सजवलाय, उंच गेलाय सूरज भगत जेलच्या खाली. चुका फार कमी होतात या खेळाडूच्या माध्यमातून. सेफ हँड आणि पकडल्या झेल, फलंदाज होतात फेल. तीन विकेट, 6 धावा. स्कोरबोर्डवर व्यासपीठावर आमचे मान्यवर आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान आम्ही करणार आहोत. मी विश्वास केने सरांना विनंती करतो आपण याच्या ठिकाणी. 10 झाले स्कोरबोर्डवर 6. विश्वास केने सर. सेकंड ओव्हर मध्ये येतात गोलंदाज साहिल. मेगा फायनलची मॅच आपण पाहत आहे, बनेली विपक्ष मोहिली या दोन संघादरम्यान. अगेन्स्ट द टर्न हा चेंडू स्टीअर केला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनकडे, एक सिंगल त्या ठिकाणी प्राप्त केली आहे. फलंदाज आहेत विनायक. स्कोर कार्डवर 7 धावा. सेवन ऑन अ बोर्ड. ऑन साईडला फटका चांगला सजवला रोशन ऑन अ फायर आणि बॉलला फेकून देतोय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं.
हा दमदार खनखनी दिमागदार षटकार। वुडवर तीन विकेट गमावलेत, रोशन चांगली बॅटिंग करतोय, इनिंगच्या 12 धावा त्याच्या बॅटमधनं, पण पाहिलात साहिल जो चांगली बॉलिंग संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये त्याने केली आहे त्याच्याविरुद्ध फायनल मॅचमध्ये हे आक्रमण आपण पाहत आहे। फसवला परंतु क्षेत्ररक्षक नाही आहे दूरपर्यंत, प्रयत्न सूरज भगतचा चांगला राहिला, धाव घेतली आहे फक्त एकच, धावा 14, षटक क्रमांक दुसरं सुरू आहे। तर वासपेटावर काही आमच्या मांडण्यावर त्यांचा शुभ सन्मान आम्ही करणार आहोत। वासपेटवर उपस्थित सन्माननीय आपला सर्वांचे लाडके नेतृत्व निलेश भाऊ शेलार साहेबांचा उचित मानसन्मान केला जाईल। नरेशजी टिकटिकर साहेबांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान आमच्या वासपेटावर केला जाईल। मायेची शाळा प्रसन्नतेचं पुष्पगुच्छ आणि त्यासोबतच या स्पर्धेचे आकर्षक भेट म्हणून एक सन्मान चिन्ह देऊन निलेश भाऊ शेलार साहेबांचा शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावर केला जाईल। हे आमचे मान्यवर निलेश भाऊ शेलार आपण पाहू शकाल व्यासपीठावर। मॅच कडे जाऊया, 17 धावा झाल्या स्कोरबोर्डवर, त्यानंतर त्यांच्या समवेत पासपेटर उपस्थित पाचा भाई यांचा देखील शुभ सन्मान नरेशजी टिकेटकर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे। पाचा भाई यांचा शुभ सन्मान आमच्या पासपेटावर केला जाईल। त्यानंतर मुसाभाई वेळेकर यांचा देखील शुभ सन्मान नरेशजी टिकेटकर साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे। फटका फसला आणि ते अजून एक धक्का लागेल तो मोहिली संघाला, विनायक बॅक टू द डगआउट, धावा झाल्या स्कोरबोर्डवर 21 धावसंख्येवर लागणारा हा 4th धक्का मोहिली संघाला। षटक देखील समाप्त झालाय, 2 ओव्हरचा खेळ झाला, 21 धावा, 10.50 सरासरीनं धावा जमवण्यात आतापर्यंत यश आलाय, 1 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे, जास्त वेळ घेऊ नका, टीम बनेली अदरवाईज तुम्हाला बॅड लाईटचा सामना करावा लागेल सेकंड इनिंगमध्ये। षटक क्रमांक 3 घेऊन येतात गोलंदाज यश येतात। फुल टॉस आहे, सूरजनं पहिला कॅच वर गेला, त्यानंतर पुनश्च एकदा मागे गेला, चांगली फिल्डिंग दाखवली त्याने, 2 धावा इथे मिळत असताना पहिल्याच बॉलवर। राऊंड ऑफ ॲक्शन आहे गोलंदाज यशची, लसित मलिंगाची आठवण होत असताना अगदी त्याच ॲक्शनमध्ये चेंडू रिलीज करतो, शॉर्ट रनअप आहे परंतु खांद्याचा उपयोग करत असताना वेग देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून राहिला आहे। ओव्हर पिच होता स्लॉटमध्ये, इन द स्लॉट अँड इट इज गोइंग आउट ऑफ द पार्क, रोशन ऑन फायर, येतो हा दिमागदार षटकार। लॉंगॉनच्या वरून मेगा फिनाल मॅच मध्ये जबरदस्त प्रहार करत असताना हा फलंदाज, 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅट बद्दल पण पाहिला, तो खेळतोय 21 धावसंख्येवर, 29 धावा झाल्यात, 29 ऑन बोर्ड, इथे गतीमध्ये केलं होतं परिवर्तन, फुटवर्क रीड केलं, आधीच पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला होता त्याने, धाव मिळेल ती फक्त एकच, कमबॅक अतिशय सुरेख पद्धतीने पाहायला मिळाला, एक बाईची ही रन होती, धावा 30 आपल्याला पाहायला मिळतात, 3 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक
या पहिल्या इनिंगमध्ये मेगा फायनलची मॅच आपण पाहत आहे. मोहिली विपक्ष बनेल या दोन संघादरम्यान. फ्लिक विथ द रिस्ट चा हा फटका सजवला. धाव एकच घेतली जाईल. रोशनला आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवायची आहे. कमबॅक केलं षटकारानंतर. शेवटचा टर्न अतिशय चांगली स्पर्धा आपण पाहिलीत. कोंढेरीकर चषक आणि अगदी अंतिम सत्रामध्ये ही स्पर्धा आता आपल्याला पाहायला मिळते. अंतिम काही क्षण, कोण होणार विजेता, कोण कोरणार नाव पहिल्या क्रमांकाच्या ट्रॉफीवर. ऑन साईडला हा फटका चांगला. डीपमध्ये सूरज भगत आहेत. चांगली फिल्डिंग दाखवत असताना फेकी केली आहे रोशनच्या एंडला. व्हॉट अ थ्रो, जबरदस्त फेकी. आणि ही विकेट मी म्हणेल जरी सूरज भगतची असेल. रोशनला माघारी परतवलाय फलंदाज बात. तर धावा झाल्यात 32-32 ऑन बोर्ड. चला प्लीज थोडंसं स्पीडअप करा फलंदाज. एका बॉलचा खेळ शिल्लक इनिंगची समाप्ती होण्यासाठी. 32 ऑन बोर्ड. त्रिफल आचित केलं शेवटच्या बॉलवर. म्हणजे धावा झाल्यात 32. विजयासाठी 33 धावांचं टार्गेट सेट केलंय ते मोहिली या संघानं. बनेली संघासमोर कोण कोरणार चषकावर नाव, कोण होणार विजेता, कोंढेरीकर ट्रॉफी 2022 पुढील इनिंगमध्ये ऐकूयात आपण बाबूशा सरांचा आवाज. हॅलो हॅलो. तो चलिए धन्यवाद जगदीश सर, तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. तो सबसे पहले देखिए इस टोटल की बात करेंगे. टोटल देखिए यहाँ से बना है 32 रन. देखिए 33 रनों के अगर हम बात करेंगे औसत की ना, 11 के औसत से रन बना होगा. कोंढेरी स्पोर्ट्स कोंढेरी आयोजित देखिए यहाँ पर से कोंढेरी कर चषक 2022 में सभी का तहे दिल से स्वागत. देखिए काफ़ी सारे हमारे मेहमान मंच पर बैठे हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत. मैं कभी भी कहता हूँ ना हमारे पास कोई BCCI ना हमारे पास कोई ICC. देखिए नीलेश दादा भाव देखिए यहाँ पर शेलर यहाँ पर तशरीफ रखें, तहे दिल से उनका भी स्वागत है. और उनके साथ साथ हेलो हेलो. तो चलिए यहाँ पर पंचा भाई सब देखिए यहाँ पर, मुसा भाई देखिए यहाँ पर, आयोजक निश्चित रूप से बात करेंगे. यहाँ पर नरेश दादा देखिए उनके तहे दिल से स्वागत है. इस टूर्नामेंट में देखिए यहाँ पर चार चांद लगाने के लिए मैं कभी भी कहता हूँ ना हमारे पास कोई ICC की मदद है ना BCCI की मदद है, यही हमारे लिए सब कुछ है. आज देखिए समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट में ऊंचा दर्जा देते हुए लेकिन चलेंगे यहाँ पर से मेगा फाइनल मैच. ले जाएंगे ट्रॉफी उठा कर ले जाएंगे. रह जाएंगे दुनिया वाले देखते रह जाएंगे. कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा यहाँ पर विश्वात्मा और किसकी होगी खात्मा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. क्योंकि हमारी कमेंट्री से कभी खेल समाप्त नहीं होता जब तक मुकाबला की आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता. यहाँ पर रोशन ने देखिए बल्लेबाजी में तो यहाँ पर जलवा दिखाए हैं लेकिन गेंदबाजी में क्या जलवा दिखाएंगे. और तैयार हैं यहाँ पर देखिए अनहोने के होने. देखिए यहाँ पर यासिन की बात करेंगे, कल का दिन बहुत बेहतर रहा उनका लेकिन आज का शाम देखते हैं क्या रहेगा, यासिन के नाम या रोशन के नाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. क्योंकि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का. पहली गेंद के ऊपर देखे वार के यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर. और जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज यहाँ पर देखे बड़ी आसानी के साथ 2 रन. शाम का समय, एक कप चाय पीने के साथ यहाँ पर 2 डबल रन ले सकते थे, इतना वक्त था बल्लेबाज के पास.
टेनिस गेंद देखिए हमेशा वक्त लेकर जाता है जहां पर बल्लेबाज को फायदा हो जाता है, सिंगल डबल कुछ भी रन चुराना। यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज रोशन फिर से एक बार तैयार। ओहो इस बार विकेट की जड़ में गेंद, लेकिन थोड़ा सा नजरें हटी, दुर्घटना घटी, विकेट कीपर से हुआ चूक और बाई के रूप में देखिए एक रन आता हुआ। एक एक रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं दोस्तों। अगर आपको 33 रन तक पहुंचना है ना, कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफ़ेद नहीं दिखेगा। सिंगल डबल से गुरु कितना भी कोशिश कर लें ये तुझे 33 रन नहीं मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा चिंगो चिंगो थोड़ा सा चिंगारी लगानी होगी, खास करके मैंडेटरी पावर प्ले। ओहो सूरज की बात करेंगे, उड़ाने की कोशिश की थी, नज़दीकी मामला बन सकता था। ओहो गेंद देखिए हाथ से निकले, पेशर पेशर ये देखिए पेशर में यहाँ पर बहुत मुश्किल बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तारीफ करना चाहूँगा पर शमोहली टीम ने यहाँ पर कमाल के देखिए। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज ही मिला था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज ही लेते, बढ़िया डिसीजन का तारीफ करना चाहूँगा, बड़ा मैच बड़ा डिसीजन लिया। यहाँ पर एक रन ले पाएंगे यासीन, यहाँ पर फंस पाएंगे, निशाना दागे थे लेकिन जगह पर नहीं। एक एक रन आता हुआ लेकिन एक एक रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं। कहते हैं ना किसी के अंदर अगर ज़्यादा डूबोगे तो फिर टूटना पड़ेगा, एक ही ना आए तो बिस्किट से पूछ लीजिए। आवाज़ तो आया मधुर आवाज़ और उसके बाद देखे अंपायर की उंगली उठी, सूरज का बड़ा विकेट देखे यहाँ पर। कहते हैं ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, वही रुलाती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। बल्लेबाजी के लिए देखे यहाँ पर छेड़ी आए हैं, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी में हमेशा गलतियों को भूल जाओ लेकिन सबक को याद रखो। आपका यहाँ पर सूरज आउट हुए इसे भूल जाइए लेकिन आगे क्या करना है ये सोच लीजिए। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा रोशन की, एक बढ़िया वापसी, रन भी बनाए हैं और रन भी बचाते हुए। और ये चलिए छेड़ी उतरते ही ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई, यानी सूरज भी गया और छेड़ी भी गया। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ? पलटवार किया देखिए, 33 रनों का टारगेट रखे थे, कुल टोटल की बात करेंगे 5 रन बनाए हैं लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भलाई 2 विकेट लिए हैं लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मोहिली टीम यहां पर चैंपियन बन गए हैं, क्योंकि 2 वैक्सीन लेने के बावजूद भी 2 डोज लेने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है हम, तो ये मैच कितना सुरक्षित है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का, तेल मतलब पसीना, नहीं तो तेल कई तरह का होता है, कभी कभी लोग गलत मीनिंग भी ले लेते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार और ये चलिए यहाँ पर एक रन तो बड़ी आसानी के साथ आएगा या मुश्किल, बाल बाल बचे यहाँ पर। लेकिन कहते हैं ना सुबह अभी जिंदा है शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि मैदान के पर जब तक यासीन जिंदा है। और यहाँ पर बल्लेबाजी टीम के दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, ओहो क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन यहां पर देखिए गेंदबाज युवराज ने यहां पर अमरेश पुरी का अंदाज, इस बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। और यहां देखिए यासीन का विकेट मिलता हुआ, यहां पर देखिए विकेट गिरता हुआ लगातार विकेट का सिलसिला। कहते हैं ना तालाब से अगर
छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मगरमच्छ बाहर निकलते हुए, लेकिन कहते हैं ना यहाँ पर पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत कीजिए। आजकल निचले कर्म के बल अमर अभी तक जिंदा है, अमर। यहां से देखिए डॉट गेंद और बल्ले बल्ले, देखिए यहां पर मोहिली टीम के दर्शक है और थल्ले थल्ले बल्लेबाजी टीम के यहां पर दर्शक है, लेकिन फिर भी देखिए बल्लेबाजी टीम के दर्शक यही कहेंगे कि पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 6 रन, अभी भी 27 की जरूरत है। खोद कर गेंद को निकाला, यहां पर एक रन आएगा लेकिन एक एक रनों से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी। कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता, अगर आसमान तक पहुंचना है तो फिर हौसला में उड़ान डालना होगा। यहां पर सचिन भी देखिए पांचवा नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए। ओवर की बात करेंगे यहां से 2 गेंद है यानी कुल मिलाकर 8 गेंद बचा है, और जीत की बात करेंगे तो 26 की जरूरत है, 8-26 समीकरण। गेंदबाज फिर से तैयार, ओहो गेंद को खेलना चाहते थे वासी लेकिन गेंद गई काशी, रन नहीं आ रहा है, नाखुश हैं भाई। आने वाला अभी भी 7 गेंद, 25 की जरूरत है। लगा तो एकाक चौके छक्के, फिर जैसे कहते हैं ना मैच में जान आना, और अभी तक देखिए बात करेंगे बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं जैसे क्वारंटाइन में रखे हैं, लेकिन खुद को यहां पर नेगेटिव साबित करना होगा। अगर लगा तो इस ओवर में छक्का तो मैच फिर बोलेगा, छक्का तो नहीं आएगा लेकिन चौवा क्या देकर जाएगा, क्या उमेश जिंदा रखेगा, और ये चलिए गेंद को क्या रोका गया। इसकी जरूरत है, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए, क्या कमाल का मैच, कैसे कांटा बदला, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता दोस्तों। यहां पर ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। मैं कभी भी कहता हूं कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है, क्योंकि झूला जितना आगे जाता है उतना पीछे आता है। 2 ओवर अच्छा रहा, गेंदबाजी की बात करेंगे 12 रन खर्च किए हैं लेकिन अभी भी 21 की जरूरत है, और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज। जय, यहां पर गेंदबाजी के लिए उड़ाया, वाह रे वाह, गिली 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 चंपा खोसो रंबा, गेंद गया लंबा ठुकम ठोक। पांच गेंद 15 की जरूरत है, और ये मैच देखे यहां से कांटों का हो चुका है, दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक, और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। आने वाली 5 गेंद 15 की जरूरत है। सचिन बता रहे हैं हम डरे हैं लेकिन मरे नहीं हैं, डरे हैं लेकिन हारे नहीं हैं। तो चलिए गेंदबाज तैयार, फिर से उड़ाने का कोशिश, एक रन तो आएगा लेकिन क्या सचिन स्ट्राइक लेना चाहेंगे यहां पर, और सचिन तो स्ट्राइक लिए अपने साथी खिलाड़ी को, नाखुश है अमर। मेरे हिसाब से अमर को भी जिंदा रखना चाहिए था। कहूंगा अमर उठा सकते थे, लेकिन अमर का आउट होना, नए बल्लेबाज जाना, नए परिंदों को उड़ने में हमेशा समय लगता है, लेकिन सचिन तो यही काम करेंगे। कहते हैं ना आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ एक कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। लेकिन जय की देखिए बढ़िया वापसी, जय देखिए यहाँ पर छक्का खाने के बाद वापसी की है, लेकिन अभी भी 14 का जरूरत है, 4 गेंद शेष, और इस बार देखिए हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे यहाँ पर, और बढ़िया कैच यहाँ पर देखिए। यही बात मैं कर रहा था, अगर यहाँ पर अमर का विकेट होता तो सोचिए शायद ये जिम्मेदारी ले सकते थे। एक छोटा गलती देखिए कितना बड़ा मुश्किल में डाल देता है। 2 नए बल्लेबाज रहेंगे, 3 गेंद 14 की जरूरत, क्या उतना आसान रहेगा। मई बंगाली
तो फिर अमर देखिए बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस टूर्नामेंट में, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, होता रहता है। दिक्का देखिए कैसा बदल गया यहाँ पर। बढ़िया यहाँ पर जय की तारीफ करना चाहूंगा, एक बढ़िया वापसी। एक समय लग रहा था मैच फंसा, पहला गेंद पर छक्का आया, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी जय की। इसे कहते हैं बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। लेकिन गलती कहीं तरह की होती है, एक गलती जय की छक्का वापसी कराई, लेकिन एक गलती सचिन की मुश्किल में डाला। कहते हैं ना गलती इतना भी ना करो, आने वाला दो गेंद 13 की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग और ड्रेसिंग। देखिए यहां पर अगर गेंदबाज गलती करते हैं तो फिर कुछ हो सकता है। कहते हैं ना एकाक खराब गेंद पूरी मैच का नक्शा बदल देती है। ये चले यहां पर छक्का आया, लेकिन एक गेंद 7 की जरूरत, बल्लेबाज खुश नहीं। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट बाहर ना आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं। तो यहाँ छक्का आने के बावजूद भी देखिए बल्ले आने के दर्शक पूरी खामोश, जानते हैं एक गेंद 7 की जरूरत है। सोचिए अगर वाइड या नो कुछ एक्स्ट्रा गेंद निकला फिर तो शोर शराबा इस मैदान में चलेगा। क्या कमाल का यहाँ पर क्रिकेट, हाई वोल्टेज ड्रामा। एक गलती देखिए कितना कीमत चुकाना पड़ रहा है। छक्का लगाने के बावजूद भी यहाँ पर खुश नहीं है हरीश, जानते हैं यहाँ पर एक गेंद के पर 7 रन लाना। क्या गेंद, मेरे हिसाब से ये गेंद छोड़ना चाहिए था, थोड़ा ऑफस्टंप के बाहर था, क्यों घसेट कर लाए। ये वाइड मिलता तो फिर अगली गेंद के पर आपको मौका बन सकता था। चैंपियन डीजे